से मिलो, ये है खतरनाक बालक, हम इनका इंटरव्यू लेने आए, हम इनका इंटरव्यू लेने आए, ये अपने बारे में दो शब्द कहेंगे। तो सर क्या नाम है आपका, व्हाट इज योर नेम सर प्लीज। सर ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे, नाम ही तो पूछ रहा है। मेरे चैनल पर जाकर मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, मैं नहीं बताता किसी को कुछ। तुमको क्या पता तेरे चैनल का नाम, तू अपना नाम बताएगा तभी तो। पहले नाम बता अपना, आरपीएस व्लॉग्स। अबे नाम बताना है, आरपीएस व्लॉग, अपना नाम बताओ। इंटरव्यू देंगे फिर मेरे व्यूज बढ़ेंगे। सर आप अपना नाम बताओ पहले। अच्छा सर अपनी हॉबीज बताइए। साइकिलिंग। क्या? साइकिलिंग। ओके। और पेंटिंग। पेंटिंग और कुछ जो बर्बाद हो चुकी है, कबाड़ी वाले। कौन से सिंगर के गाने पसंद है? वीकेंड। अच्छा सर म्यूजिक वगैरह पसंद है आपको कुछ? जैसे कि क्या, हॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कौन सी? मतलब रैप म्यूजिक। क्या? रैप म्यूजिक। रैप म्यूजिक पसंद है आप तो। अच्छा गा भी लेते हो आप थोड़ा रैप वैप? गा लेते हो क्या? हाँ। जरा थोड़ा सा हमें भी सुनाओगे सर? भूल गया गाना। सर ये तो गलत बात है, कुछ तो याद होगा। भूल गया ना, अब सुनता नहीं उसे। क्यों नहीं सुनते? सुनना चाहिए ना, जब आपकी हॉबीज है तो। जब भूल। ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इतना गंदे सड़े मुंह बोलते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पांच। कक्षा पांच। क्या बोलते हैं इसको? देखो हमारी ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, आप मुंह से बोल के बताओ। ऐसे छत्ती। छत्ती तो अब वो कैसे समझेंगे छत्ती क्या होती है? सब एक्सप्लेन करके बता छत्ती क्या होती है। तो फ्रेंड तो ये पढ़ते हैं सिक्स क्लास में हमारे सर। अपना नाम बता दे यार, इतना अच्छा नाम है तेरा। नाम बता दे एक बार पूरा। नाम है ही नहीं इसका कुछ। रुद्र प्रताप सिंह हुन। इतने गंदे तरीके से अपना नाम। रुद्र प्रताप सिंह हुन। ये हुई बात तो। अच्छा आपके फादर का नाम? प्रदीप कुमार। और माँ का नाम? अनिता। अच्छा दादा का नाम? दादा का नाम रकम सिंह। ओ वेरी गुड। दादी का नाम? लीलावती। और बड़ी मौसी का क्या नाम है? गीता। और बुआ का? गोल्डी बुजी। गोल्डी बुजी याद आ गया? गोल्डी बुजी, बबली बुजी और नाम बुजी। अच्छा तो गुटन बुजी। अच्छा तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। बेस्ट फ्रेंड का जिमित। ये कहाँ रहते हैं? ये मेरे नीचे सिक्स फ्लोर पर ही रहते थे, अब चला गया। अच्छा तो सर आप स्कूल स्कूल जाते हो ना? हाँ। अच्छा किस टाइम उठ जाते हो मॉर्निंग में? मैं पौने पाँच उठ के क्या क्या करते हो? जल्दी जाके नहाता हूँ, नहा के निकलता हूँ। कपड़े नहलाती है अभी भी? आप ही नहाते हो? खुद नहाता हूँ। तभी इतने सुंदर हो आप। फिर कपड़े पहनता हूँ और फिर बैग उठा, फिर खाता हूँ। और फिर डैडी मैं कुछ भी खा लेती हूँ जो। अच्छा उसके बाद मैं और फिर जब डैडी का निकलने का वेट करता हूँ और फिर बैग धर के निकल जाता हूँ। धर के। अच्छा तो ये बताइए सर आपके डैडी क्या करते हैं? आर्मी में क्या करते हैं? आर्मी में इंजीनियर है। तो क्या काम करते हैं वहाँ पे बैठ के? वहाँ पे बैठ के बताते हैं कि यहाँ पर लैंड मिसाइल है, कि यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर वो है लैंड, वो लैंड के अंदर मिसाइल है, बॉम्ब है, ऐसे बताते हैं। अच्छा ऐसे बताते हैं, लोकेट करके भेजते हैं। फिर जो मेरा दोस्त है उसकी जो पापा की यूनिट है वो सिग्नल्स है, तो वो सिग्नल से बताती है वो चीज़ उन्हें सोल्जर्स को जो लड़ाई करते हैं। बात है। तो मदर क्या करती हैं आपकी? मेरी मदर हाउस होल्ड वर्क। ओह माय गॉड, कितने घंटे वो काम करती है? कितने घंटे? पहले जब मैं सुबह होता हूँ तब काम करती हैं, उसके बाद जब मैं आता हूँ तब काम करती हूँ उससे पहले। और फिर जब मैं खेलने जाता हूँ तब काम करती हैं। तो अच्छा तो सर आप ये बताइए कि जब आपकी मदर इतना सारा काम करती है तो आप क्या करते हो? मैं खेलता कूदता रहता हूँ। तो थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती आपको?
क्यों डस्टिंग में मदद करता हूँ सैटरडे संडे को, क्योंकि मैं होता ही नहीं हूँ घर में, आता आता तो मैं 2:45 हूँ अच्छा या फिर 2 बजे क्या करूँगा मेरे जब मैं आता हूँ तब तो ये नहारी होती है महाशय आपकी माता का नाम महाशय कब से हो गया अच्छा तो आप ये बताइए कि आपको दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है मदर या फादर में दोनों में से अकेला अकेला बहुत अच्छा कितना अच्छा आंसर दिया इस लड़के ने इसे कोई पसंद नहीं सिर्फ खुद क्यों ऐसा क्यों खुद से प्यार है इसको क्योंकि दोनों डांटते हैं दोनों डांटते हैं दोनों अब एक टीम बन चुके हैं अच्छा दोनों की टीम बन गई दोनों मिल चुके हैं ना सोचा उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश करते हैं तो ये साजिश है रचते हैं आपके खिलाफ तो आपने कभी कंप्लेंट नहीं की किसी से अपने दादू से अपने नानों से नानी से दादी से किसी से दादू से करा है दादू करेंगे क्या क्यों दादू डांट देंगे अपने डैडी को आपके दादू बोलते ही नहीं है डैडी को क्यों बोलते ही नहीं है ये भी मिले हुए है ना सब है ना दादू भी इनकी टीम में सब मिले हुए हैं दादू भी इनकी टीम में है ना हाँ तो आप नानू से बोल सकते हो नानू भी मिले हुए मम्मा के साथ ओ माय गॉड मम्मी भी मिली हुई है सब मिले हुए हैं आप दोनों भी मिले हुए हो वालों को ऐड कर रखा है एक बात बताइए सर ऐसा आप क्या करते हो जो आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है फोन चलाता हूँ तो ये तो आपकी बहुत बड़ी गलती है ना कितनी एज आपकी मैं मेरी 50 साल 10 का होने वाला हूँ 50 साल देखो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी तो आप छोटे हो छोटी तो फिर फोन क्यों चलाते हो अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं है फिर क्या सोच के मेरा मन नहीं करता एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट क्या होता है ना घर में एंटरटेनमेंट टीवी सुना टीवी में कुछ आता ही नहीं है बकवास सा आता रहता है एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है क्या होता है एंजॉय वो एंजॉय के फोन से होता है जब फोन नहीं थे तो लोग एंजॉय नहीं करते थे क्या करते थे तो मैं तब तक चला दूं जब तक 5:30 नहीं बजते क्योंकि मैं तब खेलने जाता हूं ये तो गलत बात है ना इतना छोटा बच्चा फोन अच्छा, चलाता देखता है। क्या उसमें एंजॉय के लिए ये भी तो देखते हैं ये भी तो देखते हैं तो ये तो बड़े नहीं ये, अच्छा ये भी तो देखता क्या ये तो बता एंजॉय के लिए क्या देखता है किस तरह के वीडियोस कंट्रीज वाले हिस्ट्री वाले अच्छा तो काम की चीज देखता है अच्छी चीज है हिस्ट्री जानना तो नहीं पता है अब कंटिन्यू फोन चलाता है तो आंखें खराब नहीं होंगी छोटी छोटी आंखें अभी जानेगा पूरी हिस्ट्री सही मुगल्स के नाम बता मुगल एम्परर की बाबर उसके बाद हुमायूं उसके बाद वो आया कौन आया अकबर अकबर के बाद और जहांगीर उसके बाद शाहजहां उसके बाद औरंगजेब औरंगजेब और भी तो बहुत सारे हैं और आए थे वो आपने याद नहीं करवाए याद नहीं करवाए जो फोन में से देख लेते हो दूसरा चपर आया उसके बाद थोड़ी याद किया ये शायद तो नुबड़े थे नुबड़े थे नुबड़ा क्या होता है इन्होंने ज्यादा रूल नहीं करा अच्छा तो ज्यादा रूल होने चाहिए इन्होंने एक एक साल या दो दो साल तक करा बस राज एक दो साल सबसे अच्छा कौन लगा आपको कोई भी नहीं कोई नहीं अच्छा लगा सारे मुगल हैं मुगल अच्छा नहीं लगे क्यों ताजमहल बनवाया शाहजहां ने वेरी गुड लाल किला किसने बनवाया लाल किला शाहजहां ने तो रूद का इंटरव्यू खत्म करते हैं यहीं पे तो रूद नमस्कार कर ले एक बार सभी को अपने दोस्तों को राम